बिग बॉस के घर में रोहन मेहरा की हर दिन क्लास लगती है, ये तो आप देखते ही हैं। लेकिन आज रोहन मेहरा की क्लास लगेगी सास बहू और साजिश में, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद रोहन की मुलाकात हुई सबसे पहले सास बहू और साजिश से। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि बिग बॉस के घर की कौन कौन सी पोल खोलेंगे। ओ नो, दो दिन और बचे थे, मैं जीत सकता था। मजाक करो, सबसे पहले निकला तो ऑब्वियसली पहले तो मैंने निकलते निकलते बिग बॉस के घर को देखा और बुरा लगा, क्योंकि दो दिन और रुकता तो एकदम पूरे 105 दिन बता लेता। लेकिन कोई बात नहीं, 102 दिन हो गए, बहुत अच्छा टाइम बीता। 15th वीक में इविक्शन हुई है मेरी, टॉप 5 में आ गया, ये भी अचीवमेंट है बहुत बड़ी। और जब निकलते ही ऑब्वियसली फ़ोन मांगा मैंने उनसे, बिग बॉस वाले से, जब बाहर निकले कि भाई फ़ोन दे दो, अब घर पे बात करता हूँ। तो मॉम डैड से बात की, कांची से बात की, फैमिली से बात की। एक्चुअली आप लोग देखते हैं 45 मिनट्स, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो 24 घंटे में कितना बुरा हाल करता होगा, और 24 घंटे टू 90 डेज, तो मतलब वो दिन रात परेशान करता था, बहुत इग्नोर किया उसे। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी, ओम जैसे लोगों, मतलब बाबा जैसे लोगों के साथ और एक दो लोग और थे प्रियंका जैसे, कि आप मतलब वो आपको कुछ कुछ जब बोलते थे तो आप अगर आप उनको उल्टा रिएक्ट करोगे तो वो और बोलेंगे, और अगर आप चुप रहोगे तब भी वो बोलेंगे। तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन थी और हम फंस गए थे ऐसा लगता था। घर के अंदर के राज तो आपने रोहन से सुन ही लिए, लेकिन जब वो घर से बाहर अपने घर पहुंचे तो सुनिए क्या बोल रहे हैं उनकी हिना दीदी और कांची सिंह ने उनके लिए कितना प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया था। कांची ऑब्वियसली मैसेजेस देखे, मिला भी सबसे पहले यहाँ बॉम्बे आके उसी से ही मिला, उसने सरप्राइज रखा था हिना दी, और उसने पूरा घर सजाया हुआ था मेरा जब मैं सुबह 4 बजे पहुँचा। तो ऑब्वियसली मतलब मैं तो एक्चुअली मैं उसको देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो मुझे देख पा रही थी, तो उसे ये एडवांटेज थी कि वो मुझे देख पा रही है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी एक फ़ोटो थी जो मैंने, एक फ़ोटो फ्रेम जो मेरा पूरे 102 दिन साथ ही रहा, और मैं उससे बातें करता था, उसको उस फोटो फ्रेम को उसको देखता था। और मतलब मैंने एक हिंट भी उस पर फ्लावर भी चिपका दिया था एंड में, कि उसको मतलब हिंट मिले कि मैं रोज़ तुम्हारे लिए। तो मतलब अब क्या करूँ उससे ज़्यादा, मतलब अंदर हूँ, मिलने का मन करता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएगी 70 डेज पे जब फैमिलीज आई थी, तो मुझे लगा शायद वो आएगी, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा फीलिंग, लेकिन वो शायद नहीं आ पाई चैनल की वजह से, क्योंकि स्टार और कलर्स पे होता ना, नहीं आ सकते टाइप्स। तो और मतलब सारा टाइम उसी की बातें चलती थी। तो लोपा तो यही, मतलब वो लोपा का तो यही, लोपा तो मतलब पीछे पड़े हुए कि जब भी बाहर निकलेंगे सबसे पहले कांची से मिलना, उसको मैंने इतना मतलब उसके बारे में, कांची के बारे में बताया हुआ। रोहन मेहरा का जब बिग बॉस के लिए नाम आया तो उसके बाद उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे, इसके बारे में उनका क्या कहना है ये आप खुद ही सुन लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, अगर अगर आप खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैं 3 महीने कुछ और शो करूँ तो कोई मेरी वेट थोड़ी ना करेगा। और सोच समझ के मैंने, जब मैंने बिग बॉस जाने का डिसीजन लिया तो ये सोचा था मैंने, और सब लोगों को मूव ऑन करना चाहिए। मैंने मुझे मैंने इनसे परमिशन मांगी, इन्होंने अलाउ कर दिया, और फिर मुझे 3.5 महीने लग गए, तो ऑब्वियसली उनको ज़रूरत थी तो उन्होंने किसी और को लिया है, तो ये तो होना ही चाहिए, ऐसे ऐसे ही होता है। तो म्यूचुअल, आई थिंक ये म्यूचुअल डिसीजन है, और बहुत अच्छा लगा कि मतलब शो बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं तो यही चाहता हूँ कि राजन सर का शो चलता रहे आगे, उनका प्रोडक्शन हाउस क्वालिटी इतना नाम है और नाम हो, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम यार ऑब्वियसली। लेकिन परमिशन उन्होंने ही दी थी, अगर परमिशन वो नहीं देते तो मैं जा ही नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली। तो मैं उनको थैंक यू ही कहना चाहता हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है, मतलब मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और उनकी वजह से आज मैं बिग बॉस में भी एंड हफ्ते तक पहुँचा या टॉप 5 में आया। इतने एक्सपेक्टेशंस मैंने इतनी थी नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं था, तो मैं ऑल क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। अब रोहन क्या बताएं, आपकी और हमारी ये मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है ना, तो बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। खैर अब बिग बॉस के घर से आप बाहर हो गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही आप किसी नए शो में नजर आएंगे, और अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही हैं कि कलर्स के किसी शो में आप नजर आ सकते हैं। अगली बार मिलेगा तो जरूर बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मुंबई से खुशबू मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।